हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। आज बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो सबको विश करना है मुझे। अच्छी अच्छी दुआएं दीजिए मुझे कि मैं अपनी लाइफ में ठीक से वर्क करती रहूं अपना, और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं। बस यही दुआ मुझे चाहिए आप लोगों से कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सबसे बेस्ट जीवन होता है। तो आप लोग मुझे विश कर सकते हैं, और जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो भी मुझे विश कर लेना। तो और आज एक और भी अच्छा दिन है कि आज श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, और सब लोग पूरा देश बहुत खुश है आज, और मैं भी बहुत खुश हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने, मतलब जो आज के बच्चे हैं, शायद वो लोग नहीं जानते होंगे इस दिन का महत्व, तो नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस मंदिर को बनवाने में, उनके घर वाले इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आज के दिन का महत्व। क्योंकि जब हम लोग उस वक्त, जिस वक्त ये सब लड़ाई झगड़े होते थे, उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, और हम लोग बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। तो वो शुभ दिन आज है कि आज बन रहा है, और सबके सपने पूरे हुए जो भी चाहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो बहुत छोटा सा है, और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि फालतू की लड़ाई झगड़े छोड़ के, और जो अच्छा काम हो रहा है उसमें सहयोग दें, क्योंकि हम सब एक हैं। कास्ट अलग अलग है सबकी, लेकिन हम सब इंटरनली एक ही हैं। इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये यूट्यूब है, और ज़्यादा कुछ बोलना फिर वो गलत वीडियो में आ जाता है। तो आप लोग, सब लोग खुश रहें, और इस जो भी आज का दिन है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। और झंडे तो सबने लगा ही लिए होंगे, हमारे बाबू ने भी सबसे पहले आधी जाएंगी सबसे पहले जाके झंडा ही लगा लिया। मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती हूँ तो आप लोग देखते होंगे झंडे लगे हुए हैं, 2-3 झंडे लगा लिए हैं। और अब गए हैं लाइट्स लेने, आधी गया है लाइट्स लेने, और शाम को लाइट्स लगाएगा, और सब लोग बहुत ही खुश हैं, खुशी का माहौल है। और सब लोगों से यही प्रार्थना है कि इस खुशी के माहौल को खुशी का ही रहने दीजिएगा, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे वो खुशी का माहौल दूसरे माहौल में बदले। तो आप लोग से यही विनती है, इस खुशी के माहौल को बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और हाँ, मेरे को विश करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, गिफ्ट से ज़्यादा दुआएं काम आती हैं। ये गिफ्ट तो एक बहुत छोटी चीज़ है किसी के लिए, लेकिन जो दुआएं और आशीर्वाद होता है वो सबसे बड़ा होता है लाइफ में। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अच्छे अच्छे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनूं और स्वस्थ रहूं। बस सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे यही चाहिए। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही एक दूसरे का साथ बनाए रखें जैसे मेरा साथ बनाए हुए हो सब लोग। छोड़ के मत जाइए कभी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।